ऐसे व्यूज के हालात है ना, तो दिल तो यही करता है बंदा चैनल बंद ही कर दे, जो पहले से करा था वही करते रहे जिंदगी में, क्या खा रहे। तो जिनके लिए बना रहा हूँ वो लोग कॉमेडी नहीं करते, आपने अच्छा रिस्पॉन्स देते, अब फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा जो बाकी सब कर रहे हैं इधर पे, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर या जो जो भी हैं यहाँ पे जो सब कुछ वो कर रहे हैं, फिर मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। व्यूज़ के लिए तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, कमेंट ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। नीचे देख रहे हैं आप, इस दुकानदार रेडियो वाले के ऊपर भी देख लो, हल्की हल्की सी स्नो फॉलिंग हुई है एक बार फिर से जो है ना, रात को जो है ना एक बार फिर से बड़ी हैवी स्नो फॉलिंग हुई है, कह लो जो कि अभी इस टाइम देखने को साफ नज़र आ रही है। और अगर अभी तक दोस्तों अपने गेमिंग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं रिप्लाई नहीं देता, उनको मेरा ये जवाब है, भाई कह तो रहा हूँ लाइव वीडियो में आकर लाइव गपशप करो, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। बाकी कमेंट का उसका रिप्लाई दिया जाता है, मेरे भाई जो रिप्लाई वाला कमेंट हो, इस कमेंट का मैं क्या जवाब दूँ, भाई आप रिप्लाई नहीं देते, ऊपर से पहला कमेंट कर रहे हो आप, क्या बोले बंदा मेरे भाई आपको। आज जुमा भी है, एक बार फिर से आप सबको जुमा मुबारक हो। अच्छा दोस्तों, देखिए तो ये वाले एग्जिट पे जब स्नो फॉलिंग होती है रात को, मतलब स्नो फॉलिंग होती है तो इधर रश नहीं होता, लोग नहीं आते, और जब स्नो फॉलिंग नहीं होती मतलब बारिश या नॉर्मल डे होती है तो बहुत रश होता है। अच्छा दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मार्च के महीने में, वो भी मार्च के आखिर में जाके जो है ना, ये स्नो फॉलिंग, बारिशें और ठंडी हवाएं पूरा का पूरा मौसम बदल देती हैं। कल ये दुकान बंद थी, और सॉरी ओपन थी, अभी बंद है, देख रहे हो। तो भाई ये मौसम है, ये वेदर है, ठीक है, और एक भाई का गीला चुका है कि भाई बारिश नहीं हुई, भाई मैं क्या करूँ अगर आपकी सर पर बारिश नहीं हुई, ठीक है भाई, इग्नोर करो इस चीज़ों को, एंजॉय करो वीडियो को मेरे भाई, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ना कि बारिश हुई कि नहीं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहला काम चाय का होता है, चाय रख दिए, उसके बाद नाश्ते में आ जाइए ऐसे में। तो अपने तो फिलहाल एज यूजुअल रूटीन है, और आज जुमा है, एक बार फिर से आपको जुमा मुबारक हो। बाकी मिलते हैं जुमे के टाइम मस्जिद जाते हुए, तब तक आप जो है इन्जॉय करो। इसके अलावा यार पाकिस्तान में आज जुमे के दिन शब बारात होगी, तो इसलिए आप लोगों को भी शब बारात मुबारक हो। वैसे मैंने रात को वीडियो डाली थी छोटी सी, क्योंकि तुर्की में कल रात थी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से जुमे का दिन है आज, ठीक है, एक बार फिर से बड़ी हैवी किस्म की एक बार फिर से जो है ना स्नो फॉलिंग लगी है, और सुबह सुबह का टाइम है अभी जो है ना, हमने दुकान भी नहीं खोली है, ठीक है, मैंने कहा यार ज़रा इस साइड पे आ जाऊँ, एक बार फिर से जो है ना स्नो फॉलिंग में गीला होने का इरादा नहीं है, वो भी सुबह सुबह के टाइम पर, क्योंकि यार जब भी स्नो फॉलिंग को इन्जॉय करो ना, यार सर गीला हो जाता है इस जगह पे, ठीक है। देखो यार, ये ऐसे लाइट के नीचे वीडियो बनाने में भी बड़ा फ़र्क है, ठीक है, मैं मोस्टली वीडियोस भी नेचुरल बनाता हूँ, नेचुरल चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी यार आज एक बंदे ने गीला शिकवा किया, यार आप झूठ बोलते हो, वीडियो पे बारिश नहीं हुई कल। भाई अभी इस टाइम 11th में मौजूद हूँ, 11th का एरिया एटीलर है, और मंजर सीन कुछ ऐसे हैं एटीलर में, आप देख लो इस टाइम स्नो हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी तक हमने दुकान भी नहीं अपनी खोली है, लग के बदे ये देख लो,
और मार्च का महीना 18 तारीख है आज, जुमा भी है आज। तो मैं तो यार अल्लाह का शुक्र है भाई, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, आप भी इंजॉय करो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बारिश हो रही है, स्नोफॉलिंग हो रही है या नहीं हो रही, जो हो रही है हो रही है, ये भी हो रही है, 5 मिनट बाद हो या ना हो, 10 मिनट बाद हो या ना हो, ये इस्तंबुल का मौसम है, ठीक है, ये इस्तंबुल का वेदर है, ठीक है मेरे भाई। मैं कब से रह रहा हूँ इसलिए शेयर करना शुरू किए लोगों के साथ चीज़ें, कि लोगों को भी चलो पता चल सके, और ना बाकी यहाँ पे हमारे लोग जो करते हैं ना उससे शायद आप वाकिफ नहीं। ठंड देखो आप, बाकी छोड़ो बस आप ठंड को इंजॉय किया करो। मैं भी ज़रा वीडियोस बना लूँ थोड़ी एक बार फिर से। जी हाँ भाई देख लो, मैंने वो बोला था ना 5 मिनट भी स्नो नहीं होना, ये वेदर है, ठीक है, बड़ी भी 2 से 3 मिनट स्नो या बड़ी टिका के हुई है, इसलिए मैंने भी वीडियो बनाई है, क्योंकि भाई मैं इधर ही रहता हूँ और कुछ नहीं यार, अभी कुत्ता देख रहा, कुत्ते वाले ने भी इधर ही जाना था, मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है यकीन मानो, क्योंकि भाई मैं जानवर पर 1 मिनट का भरोसा नहीं करता। अच्छा हाँ दोस्तों, ये देख लो जुमा, जुमे के दिन और धूप वगैरह देख लो, फिलहाल काम में बिजी है यार, अभी जुमे में भी जो है ना 2 घंटे मस्जिद है, सूरज कभी आ रहा है कभी जा रहा है। एक बार फिर से बड़ी हैवी किस्म की जो है ना स्नोफॉलिंग शुरू हुई है, और ठंड ठंड वही लेवल की है यकीन मानो, अंदर दुकान पर इतनी ठंड नहीं लगती लेकिन बाहर निकलो तो पता चलता है ठंड है। अभी 1 घंटा पहले बड़ी हैवी किस्म की धूप निकली हुई थी, धूप छाओ मतलब मिक्स, लेकिन अभी फिलहाल एक दफ़ा फिर से जो है ना बड़ी हैवी किस्म की स्नोफॉलिंग जा रही है। हाँ दोस्तों, फिलहाल जो है ना जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन हल्की हल्की सी स्नो फिर से लगी हुई है, तो यह है इस्तंबुल का मौसम, धूप बारिश स्नोफॉलिंग ठंडी हवाएं सब कुछ आज एक ही दिन में दोबारा देखने को मिला, मतलब रोज़ाना का हिसाब ही बना हुआ है मेरा ख्याल। बाकी मिलते हैं यार आपको जुमे की नमाज़ के बाद, क्योंकि ज़्यादा देर हाथ पैर नहीं रख सकता यार, आज ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो जुमे की नमाज के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज जुमे की नमाज़ पढ़ ली हुई है। एक दोस्त का गिला था सुबह, कमेंट देखा मैंने उसका, मैंने उसको जवाब भी दिया, वीडियो में भी जवाब दे देते हैं ताकि भाई का गिला शिपा दूर हो जाए। तो भाई जुमा वैसे आज भी है, ठीक है, जुमा वैसे आज भी है, और वो वीडियो भी जुमे की है, लेकिन भाई रात को शेयर किया तो अंदाज़ा लगा लो जुमे से पहले कैसे जुमे की वीडियो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई, 2-3 हफ्ते पहले की है, ठीक है, लेकिन है जुमे की और बारिश बड़ी तेज़ होती रही है, और जुमा आज है, ज़ाहिर बात है आज की वीडियो भी मैं आज शेयर नहीं कर पाऊँगा। बताने का मकसद ये भी है कि भाई जी
काम पे हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। जुमे की वीडियो आज बना रहा हूँ, लेकिन घर जाऊँगा, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा। बहुत टाइम लगता है मेरे भाई इन चीज़ों में, ठीक है। पास टाइम इतना भी टाइम नहीं होता कि वीडियो कंप्यूटर में सेव कर सकें, ठीक है। काम पे से थके हुए होते हैं इतना, ठीक है। तो जुमे के दिन की वीडियो जुमे के दिन के हिसाब से इसलिए शेयर करती थी, ठीक है। लाइव नहीं होती वीडियो, ठीक है। जैसे ये भी मैं लाइव घूम फिर रहा हूँ ना, वीडियो जब टाइम मिले, जब दिल करे एडिट की और अपलोड कर दी, ऐसे होता है, ठीक है। मेरे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आज ही बनाऊँ और आज ही अपलोड कर दूँ, ठीक है। बहुत कम वीडियो है जो मैं मौके पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी ज़्यादातर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है भाई, मोस्टली सबकी ही रिकॉर्ड होती हैं। तो गिला शिकवा वो किया करो भाई जो समझ में आई। ऐसे गिले शिकवे का मैं क्या बोलूँ आपको, है आपकी प्यार मोहब्बत। फिलहाल यार मैं दूध लेने जा रहा हूँ चाय के लिए, ज़रा चाय के बगैर अपना तो गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। दूध ले लें फिर चलते हैं, खाना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम तो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी बताया होगा आप अपनी लाइफ से खुश हो रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हो, हवा को तेज़ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बस अभी दूध लेके निकले ही हूँ मैं, अभी दूध लेके निकले ही हूँ दुकान से मैं। और स्नोफॉलिंग देखो एक बार फिर से, और इस बार दोबारा जो है ना बड़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लग गई है। ये है वेदर, ये है मौसम, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है यार मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, हंसी खुशी ज़िंदगी है, कब गुजर जाए नहीं क्या पता, एंजॉय किया करो आप लोग भी यार। चलते हैं यार इससे पहले कि हाथ वगैरह ठंड से जो है ना ठठ जाए। तो देख लो यार आप कैसा मौसम है। इसी मौसम का लास्ट वीडियो में भी जिक्र कर रहा था, जिस भी एक भाई को थोड़ा था गिला शिकवा था, इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं रहेगा अभी। बहरहाल ये एरिया कैसा लगता है इस पर भी कमेंट करना कि भी आगे पीछे आपको ये मेरा एरिया कैसा लग रहा है जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज खाने में जो है ना ये है चाय है, चावल है, और ये मटर ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना। हाँ दोस्तों फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हो एक बार फिर से शाम के भी जो है 4 बजे है, थोड़ी हैवी किस्म की और ज़बरदस्त स्नोफॉलिंग लगी हुई है फिलहाल। बस ऐसे टाइम गुजर जाता है यार काम करते करते जो है ना, काम पे भी शुगर मेला लगा रहता है, इधर पुलिस वगैरह के साथ जो है ना। अंदर चलते हैं यार, बहुत ठंडा आज भाई का, एक ही मतलब लेवल की ठंड है। काम करना होता है, इधर गर्म है बाहर ठंडा है, तो ठंडा गर्म भी जो है ना बंदे को बीमार कर देता है, क्या ख्याल है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं काम पे से छुट्टी करता हूँ ना कुछ खा ही रहा था। अभी भी एक बिस्किट लिया था तो फिलहाल वो खा रहा था। बाकी यार अभी भी जो है ना हल्की हल्की स्नो जा रही है, आधा घंटा पहले बड़ी हैवी बड़ी ही हैवी है, पीछे देख पा रही है, देखते हो ना किससे ज़्यादा लगा लो। आधा घंटा पहले बड़ी हैवी स्नो वाली हुई है। अभी फिलहाल ट्रेन के स्टॉप पर जा रहा हूँ, उधर जाके मिलते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा देर हाथ बाहर रखो ना ठंडे हो जाते हैं, फुल ठंडे। फिलहाल मैं एतिलर के स्टॉप पे हूँ और ट्रेन जो है आने वाली है, पीछे की तरफ से जो है ना ट्रेन आने वाली है। बाकी सिक्योरिटी गार्ड जो है ना मास्क के लिए थोड़ा सा तंग करता है, तो इसलिए मैंने जो है ना इधर को मुका लिया कि उसको मैं नज़र ही ना हो। और ट्रेन भी आने वाली है, ट्रेन में बैठते हैं, रश कम नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला है अक्सर जो है ना स्नोफॉलिंग के दिनों में ना रश बहुत रश कम हो जाता है, इसमें स्नोफॉलिंग के दिनों में ट्रेन भी आ गई है।
है दोस्तों। फिलहाल आज उतना रश नहीं है जितना डेली देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत है फिर भी। आगे पीछे आप देख बच्चे, फिलहाल पीछे देख लो आगे देख। जी हाँ दोस्तों, अभी तक यार आपने कमेंट करके नहीं बताया कि डेली व्लॉग चाहते हो कि नहीं चाहते, कमेंट जरूर करना इस चीज़ पे। इसके अलावा जैसे व्यूज़ के हालात है ना, तो दिल तो यही करता है बंदा चैनल बंद ही कर दे, जो पहले से कर रहा था वही करते रहे जिंदगी में, क्या खा रहा है। जिनके लिए बना रहा हूँ वो लोग कमेंट ही नहीं करते, अपने अच्छा रिस्पॉन्स देते, और फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा जो बाकी सब कर रहे हैं इधर पे, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर या जो जो भी हैं यहाँ पे, जो सब कुछ वो कर रहे हैं, फिर मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। व्यूज़ के लिए तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, कमेंट ज़रूर करना। ऐसे भी लोग चाहिए, ऐसे वीडियोस चाहिए, या फिर बंद कर दिया जाए चैनल, या फिर वो कंटेंट शेयर किया जाए जिसके आप उम्मीद रखते हो। चलता झूठी है, दिखता झूठी है, और आगे पीछे का व्यू देख लो। अभी आप 11th में हो, मैं इस टाइम ऊपर आसमान में जो आप देख रहे हो ना फोग, ये फोग नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है ना स्नो है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।